वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। आज क्लास टेंथ के लास्ट लेक्चर की बात हम करेंगे और वो दो टॉपिक हैं, वो कौन कौन से हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये एग्जाम के दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमको बिहेवियर में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कोरोजन। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। कोरोजन, आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम आपको समझा दें कि कोरोजन क्या होते हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी मेटल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, सिल्वर लिया, तो मेटल देखेंगे कुछ दिन तक तो उसकी चमक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो डाउन होने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा? तो ऐसा इसी रीज़न से होता है, कोरोजन के रीज़न से। तो हम बात करते हैं। देखो, वी ऑल ऑफ नो वेरी वेल मेटल आर सो रिएक्टिव। हमारी जो मेटल होती है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर्स हैं, कई सारी गैस हैं, एयर हैं, तो इन सारे चीज़ों से रिएक्शन करके ये अपने ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर लेती हैं। यानी कि जो मेटल की सतह होती है उस पर एक लेयर टाइप का कुछ आ जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, हमारी कोरोजन है। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मेटल हमारी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो हमको पता ही है। दूसरी चीज हम यहां पे लिखेंगे कि व्हेन मेटल सरफेस इज अटैच्ड बाय एनवायरमेंटल एजेंट सच एज O2, CO2, H2O, यानी कि O2 मतलब गैस की बात, एयर की बात हो रही है, और ये मॉइस्चर्स की बात हो रही है। तो जब हमारी कोई मेटल की जो सतह होती है या सरफेस होती है वो अटैच्ड हो जाती है मॉइस्चर्स, एयर या कोई और लेयर इसी टाइप की, तो जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ब्राइटनेस डिक्रीज होने का यही रीज़न है। आप नॉर्मली देखे भी होंगे ये चीज़। तो हमारी, हमने क्या लिखा, व्हेन मेटल सरफेस इज अटैच्ड बाय एनवायरमेंटल एजेंट सच एज O2, CO2, H2O, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो बहुत ही सिंपल से इसके डिफिनेशन है। बेसिकली आपको अगर समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कोरोजन। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल की। जैसे आप लोग नॉर्मली जानते होंगे हमारा जो आयरन होता है, आयरन को कुछ दिन तक रखे रहो तो फिर वो क्या करता है, आयरन कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये ब्राउन कलर की एक लेयर अपने ऊपर जमा लेता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग हमारा एक कोरोजन का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। और आयरन क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन होकर, आयरन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, O2 बनाता है। तो हम उन एग्जांपल की बात करते हैं कि क्या क्या बनता है कोरोजन से। अगर हम बात करें आयरन की, तो Fe+O2 जब इसकी रिएक्शन होती है, मैंने बोला ना, या तो मॉइस्चर या तो एयर, O2 मतलब किसी ऐसे रिएक्टिव होती है मेटल, इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिएक्ट करके और ये कोरोजन करती है, यानी कि रस्टिंग फॉर्मेशन करती है। तो Fe2 हमारा क्या बना, FeO2 यानी आयरन ऑक्साइड बना। और ये किस कलर का, रेडिश या ब्राउन, रेडिश और ब्राउन। तो आप नॉर्मली जानते भी होंगे कि जो हमारी रस्टिंग होती है, यानी कि जो आयरन पे रस्ट लगता है, वो किस कलर का होता है, थोड़ा सा भूरा या लाल कलर का। तो ये हमारा कोरोजन का एक एग्जांपल हुआ। फिर हम बात करें अनदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन की, तो हम बात करते हैं सिल्वर के लिए। तो सिल्वर जब सल्फर के टच में आता है, तो ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि AgCS। और ये जो हमारा बनता है सिल्वर सल्फाइड, ये हमारा क्या बनता है, ब्लैक अपीयरेंस देता है, क्योंकि आप नॉर्मली देखे होंगे ब्लैक अपीयरेंस। आप वैसे भी जानते होंगे, अगर हम लाते हैं सिल्वर, या आप देखे होंगे घर में जो हमारा इसका आर्टिकल बनता है या गहने बनते हैं, तो कुछ दिन बाद वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये कोरोजन होता है। तो ये चीज़ हमारी, सिल्वर क्या होगा, ब्लैक अपीयरेंस देगा, क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो तीसरा हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है, वो क्या है, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर की जब हम रिएक्शन O2 से कराते हैं, तो ये हमारा बनता है, कॉपर की रिएक्शन जब CO2 से कराते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट। आप ऑक्सीजन से मत कराइएगा, क्योंकि वहाँ पे ये कोरोजन प्रोसेस नहीं होती, वहाँ पे कुछ और होता है। तो हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट, कॉपर
कार्बोनेट। एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, हम बता रहे हैं अभी क्या, इसका जो कलर होता है ये ग्रीन या ब्लूइश, इसका जो कलर अपीयरेंस होता है वो ग्रीन या ब्लूइश, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम बता रहे हैं कि क्या एग्जाम में पूछा सकता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आयरन का कोरोजन होता है तो क्या बनता है, तो आयरन ऑक्साइड, सिल्वर का कोरोजन होगा तो क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, और कॉपर का होगा तो कॉपर कार्बोनेट। तो ये चीज हमने पढ़ी, साथ में कलर अपीयरेंस भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा हुआ कोरोजन। अब हम बात करते हैं कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, कुछ तो तरीके होंगे, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके बताते हैं। हम बात करते हैं प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो आपको कई सारी प्रोसेस बता रहे हैं जिसके द्वारा इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग, ऑयलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ग्रीसिंग, नॉर्मली ये सब यूज हम करते हैं, एलॉइंग, इसमें क्या होगा किसी और मेटल के साथ इसको जो है मिक्स कर देते हैं, यानी मिश्र धातु का फॉर्मेशन करते हैं, पेंटिंग ईटीसी। तो ये हमारे मेथड हुए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। अब हमको जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, वो हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, तो देखिए हम आपको पहले समझा रहे हैं फिर हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो हमारे खाने के सामान, खाने के सामान बोले तो जैसे हमारा हो गया चिप्स हो गया, ऑयली, जिस जो बहुत ही ज़्यादा फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, फूड होते हैं, उनको अगर ज़्यादा टाइम तक रख दें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या ज़्यादा टाइम तक ना भी रखें अगर वो ऑक्सीडाइज हो गए तो उनका टेस्ट जो है बदल जाता है और उनकी स्मेल भी बदल जाती है। तो ये जो अनडिजायरेबल टेस्ट और स्मेल आता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दी फैटी एंड ऑयली सब्सटेंस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, या हम कह सकते हैं कि वो फूड जो बहुत ही ज़्यादा ऑयल या फैट कंटेन करते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनकी स्मेल और उनका टेस्ट बदल जाता है। ये जो प्रोसेस होती है यही हमारी क्या है, रेंसिडिटी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑयल एंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर ऑक्सीडाइज्ड, देन इट्स टेस्ट एंड स्मेल इज become undesirable, यानी कि उसकी चेंज हो जाती है टेस्ट और स्मेल जो कि हमको पसंद नहीं आती, तो then this process is called rancidity, यानी कि अगर हम रेंसिडिटी की डिफिनेशन आपसे कहें तो ऑयली फूड या हमारे ऑयली या फैटी फूड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके टेस्ट और स्मेल बदल जाती है, जो प्रोसेस हमारी ये क्या है, रेंसिडिटी, यानी रेंसिड हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि रेंसिडिटी किस किस रीज़न से हो सकती है, तो जो हमारी रेंसिडिटी हो सकती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरी चीज़ मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर्स भी, या लंबे समय तक किसी चीज़ को हम बाहर रखें, लॉन्ग ड्यूरेशन, और तीसरी टेम्परेचर का भी बहुत मतलब होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंसिडिटी की रेट और तेज बढ़ सकती है, ऑयल की कमी हो सकता है, मतलब ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑयल की कमी हो ही जाएगी तो उससे उसका टेस्ट बदल जाएगा, तो रेंसिडिटी के ये रीज़न हैं उत्पन्न होने के। मैटर क्या करता है, रेंसिडिटी हमारा हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग आता है, रेंसिडिटी और कोरोजन, और क्वेश्चन मैक्सिमम क्या पूछते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द रेंसिडिटी। तो हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑक्सीडाइज होने से इसको रोकेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम ऑफ एयर, हम वैक्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, फिर जो उसका ढक्कन होता है यानी कि जिसमें हम कोई चीज़ रखे हैं उसको हम टाइटली पैक्ड कर सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि बॉक्स टाइटली पैक्ड,
बॉक्स जो है वो टाइटली पैक्ड रखें क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में जाएगा नहीं तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। तीसरी चीज़, रेफ्रिजरेटर का यूज़ भी हम करते हैं, रेफ्रिजरेटर इसमें भी हम रख देते हैं इसको, और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस का नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा चिप्स आता है मार्केट में, जो आप लोग खाते हैं वो किस में रखा, तो उसमें ढेर सारी नाइट्रोजन गैस रखी रहती है जो कि ऑक्सीडाइज होने से इसको प्रिवेंट करती है। तो रेंसिडिटी से बचाने के ये सब तरीके हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग, एंटी ऑक्सीडेंट का यूज़, तो बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है, इसके प्रिवेंशन के तरीके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं अट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और अब हमारा आज पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे एक दिन इसकी एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दिस हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। तो पढ़ते रहिए एकदम बिंडास, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।